हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। हमारी आज की पहेलियाँ हैं, एक दिन अनीता, मोना, अदिति और सोना, ये सभी लोग विनीता के घर पे जाते हैं। वहाँ जाके सभी बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विनीता को अपना स्कर्ट नहीं मिलता है। विनीता का स्कर्ट चोरी हो जाता है और तभी विनीता अपने सभी दोस्तों को वहाँ पर बुलाती है और सभी से एक एक करके पूछती है कि मेरा स्कर्ट किसने चुराया है। तो अनीता कहती है कि मैं यहाँ से घर जाके नहा रही थी। मोना कहती है कि मैं घर पे जाके खाना बना रही थी। और सोना कहती है कि मैं यहाँ से जाकर स्कूल में बच्चों को जाके पढ़ा रही थी। और अदिति कहती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद पार्क में टहलने गई थी। विनीता सबकी बात सुनती है और समझ जाती है कि मेरी स्कर्ट किसने चुराई है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, किसने विनीता की स्कर्ट चुराई है? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, विनीता की स्कर्ट सोना ने चुराई है। आइए देखते हैं कैसे। जब विनीता सबसे पूछती है कि मेरी स्कर्ट किसने चुराई है, तो सोना कहती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। जबकि आज तो संडे है, तो सोना स्कूल में कैसे जाके बच्चों को पढ़ा सकती है? इसका मतलब है कि सोना झूठ बोल रही है, सोना ने ही विनीता की स्कर्ट चुराई है। हमारी आज की अगली पहेली है, एक दिन सोनिया नई साइकिल खरीदती है। नई साइकिल लेकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के बाहर साइकिल चलाने लगती है। और तभी वहाँ पर सोनिया के दोस्त आकाश, राजू और रोहन वहाँ पर आते हैं। तीनों सोनिया को साइकिल चलाता हुआ देखते हैं और सोनिया से कहते हैं कि तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है, तुम हमें तुम्हारी साइकिल चलाने के लिए दो। लेकिन सोनिया तीनों को साइकिल चलाने से मना कर देती है और फिर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। काफ़ी देर तक सोनिया अपनी साइकिल चलाती है तो थक जाती है, तो साइकिल को वहीं पर रख के सोनिया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सोनिया वापस आती है तो देखती है कि उसकी साइकिल नहीं है, किसी ने सोनिया की साइकिल चुरा ली है। और फिर सोनिया अपने दोस्तों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि किसने मेरी साइकिल चुराई है। लेकिन सभी मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हारी साइकिल नहीं चुराई है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं सोनिया की साइकिल किसने चुराई है? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, सोनिया की साइकिल आकाश ने चुराई है। आइए देखते हैं कैसे। जहां पर सोनिया ने अपनी साइकिल रखी थी, वहीं पर पास में सोनिया को एक घड़ी दिखाई देती है। सोनिया थोड़ा सोचती है तो उसे याद आता है कि जब मैं साइकिल चला रही थी तब ये घड़ी आकाश ने पहनी हुई थी और अभी आकाश ने घड़ी नहीं पहनी हुई है। इसका मतलब है कि मेरी साइकिल आकाश ने चुराई है और आकाश ही झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। दोस्तों, हमारी आज की अगली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पहन भी लेते हैं और जिसे कभी खा भी लेते हैं? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। हमारे इस सवाल का आंसर है चप्पल। हमारी अच्छी अगली पहेली है, दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में
तीन अंतर बताइए। इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का आंसर है, इस पिक्चर में ये तीन अंतर है, एक, दो, तीन। हमारी आज की अगली पहेली है, दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में कौन सी खूनी आंखें हैं? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का आंसर है, इन तीनों में से सी वाली खूनी आंखें हैं। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।